नमस्कार, कुक विद पूनम रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम राजमा की सब्जी बनाने जा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं फिर रेसिपी। राजमा बनाने के लिए हमने इस राजमा को पूरी रात के लिए भिगो लिया था। देखिए, अच्छे से फूल गया है। अब राजमा को कुकर में डाल के 4 से 5 सीटी लगवा लेंगे। राजमा में हमने 2 गिलास पानी डाल लिया है, 1 चम्मच नमक डाल देंगे। अब इसमें 3 से 4 सीटी लगवा लेंगे। अपने तड़के को भी तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई में हमने 1 स्पून ऑयल ले लिया है, अच्छे से गरम होने देंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तेज पत्ता डाल देंगे, जीरा डाल देंगे, हींग डाल देंगे, एक मीडियम साइज की प्याज लिया है, इसको हमने बारीक चॉप कर लिया है। इस प्याज डाल देंगे अब। प्याज के साथ लहसुन और अदरक का पेस्ट भी फ्राई कर लेंगे। प्याज अच्छे से फ्राई हो गई है, गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। ये टमाटर हमने 2 लिए हैं। मसालों को भी साथ में ऐड कर लेते हैं। एक चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच देगी मिर्च ली है जो हमारी ग्रेवी को थिकनेस देगी। दो चम्मच लाल मिर्च डालेंगे। मसालों को पका लेंगे। तड़का हमारा परफेक्ट तरीके से बनके तैयार है। अब इसमें अपना राजमा ऐड कर लेंगे। अब थोड़ी कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। अब इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक के पका लेंगे। देखिए कितनी अच्छी थिकनेस आई है राजमा में। अब लास्ट में हरा धनिया डाल के गैस को बंद कर देंगे। हमने अपने राजमा को एक बाउल में निकाल लिया है। देख इस तरह से बना के देखें आप अपनी राजमा को, बहुत ही टेस्टी और थिक ग्रेवी की बनती है। और फिर मेरे को बताएं कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। थैंक यू।